जिले की जंगलपुर निवासी सीआरपीएफ के शहीद जवान पूर्णानंद साहू गांव के अपने ही खेत में राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में गत सोमवार को हुए नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में राजनांदगांव जिले के जंगलपुर निवासी पूर्णानंद साहू शहीद हो गए। देखिए, मानते हैं कि ये हमारा लॉस है, लेकिन जो कल का ऑपरेशन था उसने एक काफ़ी मजबूत संदेश भेजा है जो गढ़ है नक्सलियों का, उनके लिए उन क्षेत्र में, कि फौज जो है अब तैयार है। और जो कल का जो ऑपरेशन हुआ, उन्होंने इसके कारण क्या हुआ कि उनकी चूने हिला दी गई है। इससे पहले जो है कभी फौज उस इलाके में गई नहीं थी, तो पहली बार था जो उस इलाके में बोटी टोंग या डप्पा पल्ली इलाके में जो है फौज गई। तो इसे जो है बाकी जो फोर्सेज हैं हम मोटिवेट होंगे कि और हमें कस के दोबारा तैयार होके कस के फिर स्ट्राइक करना है। बहुत दुखद घटना है और एक पुनहार बालक था पूर्णानंद साहू, और देश के लिए शहीद होना मतलब समझ जाओ कि सब लोग का गौरव की बात है। पर जिस घर से जिस परिवार का एक जिसका शादी होना था, बहुत बहुत दुखद घटना। मार्च में शायद उनका सगाई और शादी होना था। मैं उसको मेरे विधानसभा के पूरे ओर से उसको श्रद्धा अर्पित करता हूँ कि ऐसे होनहार बालक हमारे विधानसभा में हम गौरव महसूस करते हैं, और उसके माँ बाप को उनके परिवार को दुख सहने की परमात्मा से सहने की शक्ति। शहीद पूर्णानंद साहू के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम जंगलपुर लाया गया। गगनभेदी नारो शहीद अमर रहे भारत माता की जय के बीच शहीद के पार्थिव शरीर को गांव में स्थित उनके खेत में लाया गया। वहां आगंतुकों ने फूल मालाओं के साथ अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ कमांडेंट की उपस्थिति में अंतिम सलामी दी। राजनांदगांव से उदय मिश्रा, ग्रिफ्स डॉट इन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।